ब्लाउज के सामने के साइड में यहाँ पर रिंकल्स आने का कारण क्या है और साथ में बैक पार्ट में यहाँ पर रिंकल्स आने का कारण क्या है, मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, सामने का पार्ट में रिंकल्स आने का कारण अलग है और पीछे पार्ट में रिंकल्स आने का कारण अलग है। तो क्या गलती हम करते हैं जिसकी वजह से सामने के पार्ट में और पीछे के पार्ट में रिंकल्स आता है, तो मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाकर लाइक का बटन दबाइए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये ब्लाउज का प्रॉपर शेप है। देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी खिंचाव नहीं आया है। आस्तीन देखिए कितना परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। क्या होता है, आस्तीन के पास में रिंकल्स आने का जो मुख्य कारण होता है वो सामने का पार्ट की गहराई और आस्तीन की गहराई आपस में नहीं मिलने की वजह से सामने के पार्ट में रिंकल्स आता है। और बैक पार्ट में यहाँ पर जो रिंकल्स आता है उसका कारण क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो ब्लाउज है अभी देखिए बैक साइड में भी कितना फिनिशिंग से इसका एक शेप में आस्तीन लगा हुआ है। आपको अगर इस तरीके से लगाएंगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो रिंकल्स आता है दोस्तों, उसके कारण क्या होता है, हम गले का जो फैलाव है उसको सही तरीके से कटिंग नहीं करते। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इसका गले का फैलाव देखिए कितना परफेक्ट राउंड शेप में आया हुआ है। क्या होता है, हम कंधा ना गिरे इसकी वजह से क्या है, गले का जो फैलाव है उसको कम काटते हैं। तो यहीं पर गलती होती है जिसकी वजह से बैक पार्ट में हमारा रिंकल्स आता है। तो देखिए, दोनों अलग अलग कारण है, तो मैं अभी आप लोगों को कट करके बताऊंगा। उसके लिए मैंने एक अलग से पहले तो एक कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, मैं सबसे पहले तो इसको पहले मेजरमेंट कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि इसी नाप से मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा। देखिए, सपोजिंग इसकी जो लंबाई है 14 इंच, मैं लंबाई को मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, सीना इसका है, सीना मैं अभी डायरेक्ट इसको ऐसे ही नाप रहा हूँ, लेकिन आप जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो सीना ऐसा ना नापे, बिल्कुल राउंड शेप में इसको नापें। तो देखिए, ये भी आ रहा है 18.5 इंच, 18.5 इंच का डबल हो जाएगा 37 इंच। तो 37 इंच का सीना है और इसका कमर है देखिए 16 इंच, 16 यानी कि 32 इंच। तो 37 इंच इसका सीना है और कमर इसका है 32। अब देखिए, गले के फैलाव को नापते हैं, तो मैं गले का फैलाव देख रहा हूँ कितना है। ये देखिए, इसका गले का फैलाव है 6.5 इंच, यानी कि ये 6 इंच में कटा है, 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड, यानी कि दोनों मिला के 0.5 इंच, यानी कि 0.5 इंच गला फैला कटिंग करने के बाद। अब देखिए, शोल्डर को मैं मेजर कर रहा हूँ, तो देखिए ये शोल्डर, अभी जैसे मैं इसको 6.5 इंच में रखा हूँ, तो इसका शोल्डर मैं नाप रहा हूँ, तो देखिए ये आ रहा है 10 इंच, यानी कि ये 11 इंच में इसका शोल्डर कटिंग हुआ है। तो चलिए, मैं आपको अभी कटिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो बैक पार्ट में रिंकल पड़ता है उसका कारण क्या है, मैं अभी इसमें आपको कटिंग करके बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नीचे के साइड में एक सीधी लकड़ी खींच लेता हूँ, जिससे कि क्या होता है, कपड़ा जो होता है वो हमारा सीधा नहीं होता। लंबाई हमारी 14 इंच था, तो मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 15 इंच में इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको भी हम सीधा खींच लेते हैं। शोल्डर जैसे कि इसका 11 इंच था, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। इधर भी 5.5 इंच में निशान लगा के हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। अब देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच। सीना इसका है 37 इंच, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो इसका सीना हो जाएगा 9.25 इंच, यानी कि 37 इंच सीना है। तो और 1.5 इंच इसका मैं मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। कमर था 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 8 इंच, 1 इंच पीछे पार्ट में डार्ट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसा। अब मैं इसमें एक शेप ले लेता हूँ जो आमतौर पे लोग लेते हैं, ये सामने और ये बैक पार्ट। तो देखिए, बैक में जो सलवटें आने का कारण होता है वो क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या होता है, कई बार कंधा ना गिरे इसकी वजह से जो गले का जो फैलाव है उसको इस साइड से 1/4 इंच काट लेते हैं कई लोग, या फिर इस साइड जैसे मैंने उसमें बताया था कि 6 इंच मैंने लिया था, तो इसको कर लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। और इस साइड जैसे कि गला इसका डीप 10 इंच है, 10.5 इंच में डाला, इस साइड निशान लगा लेंगे इन लोग 3.5 इंच में। क्या सोचते हैं कि गला कंधा नहीं गिरेगा और गले का जो फैलाव है वो सही आ जाएगा, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर से
नीचे के साइड से गले को फैला लेते हैं और ऊपर के साइड से सकड़ा रखते हैं। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ कि आमतौर पे क्या प्रॉब्लम आती है उसके बाद। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। क्या करते हैं कई बार, जैसे कि ये गले का देखिए इसका फैलाव ऊपर की तरफ कम है और नीचे की साइड ज़्यादा है। जैसे सपोजिंग ये हमारा मार्जिन है, ये मैंने मोड़ दिया इसको मार्जिन को। अब देखिए यहाँ पर डॉट लगता है, ये ऐसे इस साइड भी यहाँ पर डॉट लगेगा। तो क्या होता है डॉट लगने का दोस्तों, जब ये गला यहाँ से फैलता है तो देखिए इस साइड से ये देखिए ये और इधर से भी देखिए ये यहाँ पर से और यहाँ पर से ये इस साइड में यहाँ पर और इस साइड में यहाँ पर, क्योंकि इसका देखिए ये ऐसे खिंचाव आता है तो यहाँ पर आमतौर पे रिंकल्स बनते हैं। और इस साइड में जब गला फैलता है तो देखिए यहाँ पर ऐसा रिंकल्स बन जाता है। क्या होता है गला हम कितना भी सकड़ा काटे गला लेकिन फैल के अपने जगह में आता ही है। तो क्या होगा देखिए ये यहाँ पर से बिल्कुल सलवट आपका बन जाएगा, देखिए यहाँ पर से ये ऐसे। और देखिए मैंने जैसे ये ब्लाउज की कटिंग किया है तो देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर बिल्कुल इसको राउंड शेप आया हुआ है। देखिए बैक साइड में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बैक साइड भी बिल्कुल इसका सीधा यहाँ पर ऐसा आया हुआ है। क्या होता है हम कमी गलती वही करते हैं कि गले का जो फैलाव है कंधा ना गिरे इसकी वजह से हम इसका जो गला है इसको यहाँ पर से कम कटिंग करते हैं। देखिए इसका असर क्या होता है जब ब्लाउज जब पहनते हैं तो ये ऐसा आने की वजह से यहाँ पर से इस साइड से ये ऐसा और इस साइड से यहाँ पर ऐसा रिंकल्स आते हैं। क्योंकि क्या होता है कंधा तो फैल के अपने जगह में बैठेगा ही, ध्यान रखेंगे ये गलती आमतौर पे अधिकतर लोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी गलती नहीं करना है। तो उसके लिए मैं आपको अब फिर से एक दूसरा कपड़े में आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये मैंने अलग कपड़ा ले लिया है, इसमें भी मैं सीधा खींच लेता हूँ। आपको प्रॉपर किस तरीके से कटिंग करना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ब्लाउज़ की लंबाई हमने 14 इंच में यानी कि 1 इंच में सिलाई मार्जिन बढ़ा लिया था, शोल्डर हमारा है 11 इंच तो इसका हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, 5.5 इंच इसका आर्म होल ले रहा हूँ, सीना इसका है 37 इंच 37 इंच तो उसका एक चौथा हो जाएगा 7.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन 32, कमर एक चौथा हो जाएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट का डॉट और 1.5 इंच जैसे ऊपर मैंने मार्जिन लिया है वैसी नीचे भी। इसे मैं स्केल से सीधा खींच लूँगा। देखिए अब मैं साथ में इसको सामने का पार्ट में कटिंग कैसे करना है वही बताऊँगा। तो देखिए गले का फैलाव उसका 6 इंच था यानी कि उसका हाफ हो जाएगा 3 इंच, इधर भी मैं 3 इंच ऐसा ले लेता हूँ। इसका आप शेप देखना दोस्तों, इसका शेप कितना प्रॉपर बढ़िया आएगा क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से आमतौर पे सब जितने भी टेलर हैं वो इसी प्रकार से कटिंग करते हैं। तो इसका गला 10.5 इंच यानी कि 10 इंच गला डीप है, ये गला इसका मैं राउंड ले लिया हूँ। अब देखिए मैं इसके आर्म होल को कटिंग कैसे कर रहा हूँ। सामने रिंकल्स आने का कारण क्या होता है कि हम आर्म होल को सही तरीके से कटिंग नहीं करते, इसकी वजह से सामने में रिंकल्स आते हैं। अब देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ, ध्यान रखेंगे यहाँ पर से करीब 1 इंच आप छोड़ दीजिए और यहीं पर से इसको शेप ऐसा ला के आप अंदर वाली लाइन में इसको मिला दीजिए, ये ऐसे अंदर वाली लाइन में मिलाना है आपको, ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने अंदर वाली लाइन में मिलाया है जहां पर तिरछी लकीर खींचा था, ये सामने का पार्ट है। अब बैक पार्ट में देखिए दोस्तों मैंने यहां से 1 इंच में इसका राउंड लिया हुआ है और यहां पर से इसको घुमाया था। अब क्या करना है आपको, ये जो सीधी लकीर है उससे घुमाते हुए हमको जहां पर मैंने 7.5 इंच में लगाया निशान वहां पर लाके मिलाना है। देखिए मैंने कहां पर लाके मिलाया, तो ये परफेक्ट एक शेप बिल्कुल आया हुआ है। अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो सामने के पार्ट में रिंकल्स कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए मैं कटिंग करके बैक पार्ट का जो शेप है और रिंकल्स नहीं कैसे नहीं आएगा मैं आपको अभी समझाता हूँ।
तो देखिए ये बैक पार्ट है। अब देखिए इसका गले का शेप को देखिए, ये कितना बढ़िया प्रॉपर आया हुआ है। अब देखिए जैसे ये मार्जिंग है, इसको मार्जिंग को मैं दबा लेता हूँ यहाँ पर से ये और यहाँ पर से ये। तो देखिए अब ये गला फैलेगा, इस साइड में कहीं पर भी कोई रिंकल्स बन रहा है नहीं बन रहा है। क्या होता है कि ये जो पार्ट है जब इधर जाता है तो यहाँ पर रिंकल आता है, लेकिन जब हमने ऑलरेडी गले को फैला दिया है तो रिंकल्स नहीं जाएगा। अब देखिए मैं ये जो इसको कटिंग किया था पहले वाला पार्ट, अब देखिए ये फर्क होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा ये, तो देखिए यहाँ पर इसका एक फुलाव आ गया। देखिए ये इसको भी इधर कर लेता हूँ मैं, तो देखिए ये भी यहाँ पर एक रिंकल्स ऐसा बन गया देखिए। लेकिन इसमें ये प्रॉपर ऑलरेडी फैला हुआ है तो यहाँ पर कोई भी रिंकल नहीं आया, क्योंकि ये गला ऑलरेडी फैला हुआ है। आप बिल्कुल इस तरीके से, कई लोग कहते हैं कि अगर हम गला फैला देंगे तो हमारा कंधा गिरेगा, तो ऐसा नहीं है, कंधा आपका नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसका जो हम शोल्डर और गले की पाइपिंग सही तरीके से लगेंगे तो कभी भी हमारा शोल्डर कंधा नहीं गिरेगा, क्योंकि हर साइज के अकॉर्डिंग हमको कंधे की कटिंग अलग अलग करना है। तो देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मैंने दोनों एक ही साइज से इसकी कटिंग किया हुआ है। अब देखिए ये जो गला है ये कहाँ जा रहा है शोल्डर, और इसका शोल्डर कहाँ जा रहा है, देखिए दोनों में फर्क है, ये आधा इंच का। मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, ये देखिए गले को मिलाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर इसका रिंकल यहाँ पर आ गया देखिए, ये ऐसा। इसको भी यहाँ पर ला के मिलाऊंगा तो देखिए इस साइड भी यहाँ पर एक रिंकल आ गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको किस प्रकार से गले की कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा बैक पार्ट में रिंकल्स आने का जो कारण था वो बता दिया हूँ। अब देखिए सामने के पार्ट में, तो देखिए मैं आप लोगों को ये सामने का जो पार्ट है इसकी गहराई को पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ। समझ लीजिए ये सामने के पार्ट की गहराई को, ये देखिए सामने की गहराई कट गई है। अब देखिए मैं आपको अब आस्तीन की कटिंग कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैं अलग से डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है ये आस्तीन के लिए। यहाँ पर से मैं पहले तो मोड़ के लिए मार्जिंग ले लेता हूँ। देखिए कॉटन पाउच के हिसाब से मैं आस्तीन की कटिंग करके बता रहा हूँ। आस्तीन जैसे कि समझ लीजिए 5 इंच है, तो मैं 5.5 में ले रहा हूँ। 3.5 इंच में इसका आर मोल, सपोजिंग समझ लीजिए इसका आर मोल है 7 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। मोरी इसकी समझ लीजिए 6.5 इंच। देखिए मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ, नाप में आप ध्यान नहीं देंगे। आस्तीन का प्रॉपर शेप हमको कैसे निकालना है मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं इसमें आस्तीन का डायरेक्ट शेप ले रहा हूँ, इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए आस्तीन का कितना परफेक्ट शेप आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा सामने की गहराई हो गई, और ये आस्तीन में देखिए दोस्तों ये वाला जो है गहराई हमारा सामने की गहराई है। अब क्या करना है, हमेशा हमको आस्तीन की कटिंग ऐसे करना है कि देखिए ये आके आपस में मिलना चाहिए। तो देखिए ये गहराई, देखिए यहाँ पर से मैंने निशान लगाया था और इस सीने में निशान यहाँ लगाया था, तो देखिए इसकी गहराई दोनों की आके आपस में मिल रही है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सामने का पार्ट और आस्तीन का सामने का पार्ट यहाँ पर आके मिलना चाहिए। अगर जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा, सामने के पार्ट में आपके रिंकल्स बिल्कुल डेफिनेटली आएगा ही, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं। इसका देखिए बिल्कुल यहाँ पर गहरे आके आपस में मिली है, तो कहीं पर भी कोई भी रिंकल्स या खिंचाव नहीं है, बिल्कुल एक बराबर प्रॉपर आके ये बैठा हुआ है। वैसे ही जब तक कि इसमें भी आके आपस में नहीं बैठेगा, कभी भी साइड की जो फिटिंग है अच्छे से नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल से सामने में रिंकल्स और पीछे साइड में रिंकल्स आने का दोनों कारण का सलूशन आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देख के आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।